फेक वीडियो बनाने से तुम लोग को शर्म नहीं आती है? वकील ने इंटरव्यू नहीं दिया, इंटरव्यू ना देते हुए उसने मेरे पास 27 फोटो की बजाय, ये मेरे पास चैट पड़ा हुआ है, हम दिखाते हैं आपको, वही सेम वीडियो उठा के एक महीना बाद क्यों अपलोड करते हैं? हैदर तुम किसी को इंटरव्यू मत दो, हैदर किसी से बात मत करो, हमारा ये काम है? वाह वाह, हम तो ताली बजाएंगे, कार्रवाई हो गई, हैदर के बच्चे मिल गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, एक वीडियो निकल कर सामने आई जो कि बच्चों के हवाले से नहीं बल्कि जो हैदर साहब के वकील हैं उनके हवाले से थी। और जब भी कोई वीडियो आती है हमारी तो आप देखते हैं कि इसी बारे में बात हो रही होती है कि किसी तरह से बच्चे जो हैं वापस पाकिस्तान आ जाएं, और चांदनी जी भी इसी के ऊपर वर्क कर रही हैं। और आपने देखा कि कल इनकी एक वीडियो आई जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर रही थी कि जब कॉन्टेक्ट किया गया था रोशन अली अजीम साहब से, उन्होंने अपनी काफी सारी तस्वीरें भेज दी और वो केस से हट के इनके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, ये कहना था चांदनी जी का। तो चांदनी जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, तो काइंडली ये हमें पूरा मामला बताएं कि ये हुआ क्या है, क्योंकि पहले आप इस केस को देख रही थी, इसी के ऊपर ही बात कर रही थी, कल आपकी इस केस से हट के जो वकील साहब है उनके बारे में आपने बात की और सारी चीजें की, तो ये क्या मामला है, काइंडली ये क्लियर कर दें हमें। क्यों ना बोलूं, जब इंसान गलत बात बोलेगा, जब इंसान से जो है कोई चीज किया धारा नहीं जा रहा है तो हम तो बिल्कुल बोलेंगे। आज 2 महीना हो गया केस देखते हुए, 2 महीने में से कोई भी चीज ऐसा नहीं दिखा है। किसी माँ के घर वाले मीडिया पे आए हैं? नहीं, मीडिया पे नहीं आए, बस फेक वीडियो आया है। फेक वीडियो में सीमा की बहन है, सीमा की बहन पता नहीं कहाँ से आ जाती है। हेलो सीमा, क्यों रुसवा कर रही हो? सीमा क्यों हम लोगों को शर्मिंदा कर रही हो? फेक वीडियो बनाने से तुम लोग को शर्म नहीं आती है? तुम बोल रहे हो कि हमारा वीडियो जो है हम बहुत अच्छी खबर देते हैं, पाकिस्तान से सारे लोग गलत खबर दे रहे हैं, तो पाकिस्तान से गलत खबर आ रही है तो गलत खबर निकालने में आप साथ साथ ये क्यों बोल रहे हैं कि हम केस सही से देख रहे हैं? आप केस सही से देख रहे हो या आप ये बता रहे हो कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल से सही वीडियो जाती है? आखिर आपके चैनल से सही वीडियो अगर आ रही है तो फिर वो चीज पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? वो आरोपी सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो आरोपी को आप बोल रहे हो, वो आरोपी भाग जा रहा है, क्यों भाग जा रहा है? भागने का भी तरीका होता है, तरीका भागने का अगर होता है, कोई भागा है तो पुलिस का नहीं, आप लोगों के पास कार्रवाई नहीं है करने के लिए? आप लोगों उसको, आप लोग कभी भी गए हो सीमा के घर पे, उसके माँ बाप से, उसे किसी से पूछने कि सीमा कहाँ पे उछिंद हो गई है, सीमा जो है गई है, सीमा को कौन पकड़ भिजवाया, सीमा को तुम्हारा बेटा जो है शाहिद रंजन सुहा भारत में छिपा हुआ है वो कहाँ चला गया है, उसका ना पता है? कोई कहीं पर सीमा के घर पे कोई गया नहीं, सब अपने चैनल पे अपना मस्ती मार रहे हैं, मगनमारी कर रहे हैं, बस अपने अपने पे लगा है, पैसा चाहिए, हैदर को लूटो, हैदर के नाम से लूटो, यहाँ सीमा स्कैनर लगा के लूट रही है, वहाँ हैदर को वो वकील लूट रहा है, उधर हैदर का चैनल बन रहा है, हैदर स्कैनर डाल रहा है, ये सब क्या चल रहा है हमारे समझ में नहीं आता? तो मेरा दिमाग घूमेगा नहीं? हमने वकील ने इंटरव्यू नहीं दिया, इंटरव्यू ना देते हुए उसने मेरे पास 27 फोटो की बजाय, ये मेरे पास चैट पड़ा हुआ है, हम दिखाते हैं आपको, देखिए ये। जी ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने कोई थंबनेल लगाना हो, क्योंकि ये तस्वीरें थंबनेल के हिसाब से हैं। आपका शायद इनके साथ इंटरव्यू हुआ होगा पहले। आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, आपका बात फर्ज बनता है अगर हम मांगेंगे कि हमको फोटो दो? हमने भी इंटरव्यू किसी को दिया, हमारा भी इंटरव्यू कोई लिया तो हम अपने आप से पहले उसको फोटो नहीं भेजते कि लो हमारा थंबनेल के लिए फोटो ले लो? बिना इंटरव्यू दिए हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे, आप हमको 28-30 फोटो भेजोगे? क्या ये उन्होंने पहले तस्वीरें भेजी हैं बाद में इंटरव्यू दिया है, इस तरह से हुआ है? इंटरव्यू दिया ही नहीं है, फोटो क्यों भेजे मेरे पास 30 फोटो? हमने मांगा था फोटो। जी ये हो सकता है कि क्योंकि आपको पता ही है कि उनके पास टाइम कम होता है, इस केस को भी देखना होता है, तो शायद उन्होंने पहले थंबनेल दिए आपको ये तस्वीरें भेज दी हो ताकि टाइम बच जाए, बाद में ढूंढ के ना भेजनी पड़े, फारिग वक्त में वो बैठे हों उस वक्त। वाह, मतलब इस इंसान को जवाब तो देना चाहिए था, इस इंसान को ये तो, मतलब ये वकील का काम नहीं होता, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाँ, मतलब हम इंसान बहुत अच्छे हैं, हम इंसान बहुत रईस जाते हैं और सभी हमारे एरिया के गंदे, हमारे सभी एरिया की गलत न्यूज देते हैं, गलत न्यूज। आप अगर आप वकील हो तो वकालत करना सीखो, हम आपसे छोटे हैं,
हम भी हमको भी दिखता है कि आप जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, कार्रवाई अगर कर रहे हो तो कहाँ जा रही है। हमने ये भी सुना है कि वहां की पुलिस ने केस लेने से इनकार कर दिया, तो काहे का वो सहूलत कर सामने आ रहा है। आप जो है हैदर से पैसा मांग रहे हो, ये भी हम सुने हैदर भी उसमें वीडियो पे आके ये बोला है कि पैसे का बिना कोई कार्रवाई नहीं करता है। पहले तो हैदर ये बोलता है कि बिना हमारा जो है वकील जो है बिना पैसे का हमारा केस कर रहा है, तो आज क्यों बोल रहा है हैदर की हमारा जो है कोई चीज कोई बिना पैसे का नहीं करता है। आज ये पता चल रहा है कि जो है हैदर के वकील ने सिर्फ हैदर से पैसा खा रहा है, सिर्फ हैदर से पैसा खा रहा है, वो भी जो है हैदर का मजबूरी का फायदा उठा रहा है, हैदर के नाम से पैसा कमा रहा है और हैदर को बोला है वीडियो बनाओ, वीडियो में से 30% वीडियो में से उसको चाहिए। जी, तो ये 30% वाली बात जो है, काइंडली ये पहले आप क्लियर करें थोड़ी सी कि ये 30% वाली बात क्या है, आपको किसी ने कहा है कि 30% लिया जा रहा है? हम सुने हैं, उसका नाम नहीं बताएंगे, हम सुने हैं कि वो हमको हमको पता चली है, जैसे ये पता चली है कि हैदर से पैसा खा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे समझ में आ गया कि ये यूट्यूबर है, ये कोई वकील वकील नहीं है। ठीक है, वकील का ये काम होता है, अगर हम गलत कर रहे हैं ना तो हमारा हम ये नहीं कहेंगे कि हैदर तुम किसी को इंटरव्यू मत दो, हैदर किसी से बात मत करो, हमारा ये काम है। जी बिल्कुल भी नहीं। तो आपने इसी तरह से देखा ही है कि जिस तरह से एपी सिंह है वो भी सीमा को रोकता है कि आपने चंद लोगों को ही इंटरव्यू देना है, हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव चीजें हों जो हमें अभी फिलहाल नेगेटिव लग रही हो लेकिन बाद में निकल कर सामने आएंगी और केस के ऊपर भी डेवलपमेंट चल रही होगी, क्योंकि हमें तो रोशन अलीम साहब ने यही बताया और ये भी कहा है कि 2 तारीख तक, ये जो आने वाली 2 तारीख है, जी रोकता है, एक सीमा को रोकता है, फिर भी सीमा का इंटरव्यू अगर हर चैनल पे अगर देखोगे तो मिलेगा, सीमा का इंटरव्यू हर चैनल पे मिलेगा, चाहे छोटा आईडी हो चाहे बड़ी आईडी हो, उससे मिलने दिया जाता है, भले उसका एपी गलत यूज कर रहा है, भले ही एपी उसका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हैदर के वकील जैसा नहीं कर रहा है। हैदर का वकील जो है इंसाफ के लिए लड़ रहा है, लेकिन सीमा का वकील जो है वो न्याय के लिए नहीं अन्याय के लिए लड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो कंधा पे मिला के कंधा चल रहा है सीमा का, लेकिन ये जो है ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, तो ये क्यों दगाबाजी खेल रहा है? जी जहां तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, ये वकील साहब ने जो कि हैदर भाई के वकील, उन्होंने कहा था कि क्योंकि मेरे मुल्क का मसला आया है तो ये केस मैं इसलिए लड़ रहा हूँ, ना कि पैसे लेके। तो ये तो उनकी अपनी स्टेटमेंट है, तो जहां तक मेरा अंदाजा है उन्होंने पैसों की कोई भी डिमांड नहीं की होगी। वो जाते भी हैं जहां पे ये सारा इशू हुआ है, जहां पे सीमा का घर था वहां पे भी जाके उन्होंने काफी लोगों से बात की है और ये भी कहा है कि काफी सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं जो कि फिलहाल सामने नहीं लाए जा सकते। तो इसलिए हम तो इस चीज को अभी फिलहाल पॉजिटिव ही ले रहे हैं। और रही बात के यूट्यूबर्स फेक न्यूज फैलाते हैं, शायद उन्होंने इस बेस पे कहा हो, क्योंकि कुछ लोगों ने आपने देखा ही होगा कि सीमा की बहन को ले आए थे जो कि असल में थी ही नहीं वो, तो शायद इस बेस पे उन्होंने कहा। और चैनल सब्सक्राइब करने वाली बात, ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपसे कहा है नहीं कहा, ये आपसे भी उन्होंने कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें? मेरे पे चैट पड़ा हुआ है, हमने डिलीट नहीं किया है। अच्छा, हमारे पे जितना चैनल सारा पड़ा है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, भारत के लोगों को सब्सक्राइब शेयर करा करके सब्सक्राइब कराओ। एपी सिंह का एपी सिंह का आपने यूट्यूबर बनते हुए देखा, एपी सिंह को ये बोलते देखा है कि हमारे भारत के यूट्यूबर्स गलत खबर देते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसका मत करो, आपने सुना है? इस तरह का तो कभी कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमारा तो यही हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम इस चीज को पॉजिटिविटी के हिसाब से देखते रहें। और क्योंकि 2 तारीख का खुद ही रोशन अलीम साहब ने कहा है कि 2 तारीख तक वो कुछ ना कुछ इस तरह का सामने लेके आएंगे जिसे देखकर जो सीमा है वो डर जाएगी और वो कांपना शुरू हो जाएगी। उन्होंने पहले भी एक बार कहा था शायद कुछ इश्यूज की वजह से शायद वो नहीं सामने लेके आए, लेकिन अब उन्होंने क्लियर तरीके से ये बात की है कि 2 तारीख तक वो तमाम डाटा सामने लेके आएंगे। आज 30 तारीख है, 29-30 तारीख है, 1-2 तारीख ज्यादा दिन सामने आएगा, 1-2 तारीख का 10 तारीख तक देखते हैं क्या होता परसों, है। परसों 2 तारीख है, अगर होता है परसों 2 तारीख है, कल जो है कल 1 तारीख है, तो कल तक देखते हैं, नहीं तो 10 दिन तक देखते हैं। कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छी बात है, वाह वाह हम तो ताली बजाएंगे, कार्रवाई हो गई, हैदर के बच्चे मिल गए। और जब कार्रवाई नहीं होती है तो काहे तो 1 तारीख से अगर 10 तारीख हो गई तो जी, इस बारे में कुछ कह तो नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वकील साहब की तरफ से या जिस तरह से भी होती है
हम वही शेयर करते हैं। हमारे पास भी काफी सारे सबूत आए थे, मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी इस चीज का दावा किया था। और मुस्कान के रिएक्शन एक चैनल है, आप अच्छी तरह से जानती हैं, उन्होंने कुछ सबूत शो भी कराए हैं, कुछ उन्होंने अभी तक शो नहीं कराए क्योंकि उनको रोका गया है। तो हम अपनी बेस पे जितने सबूत हैं वो तो सामने लेके आते हैं, लेकिन जो चीजें केस के हवाले से कही जाती हैं रोशन अली अजीम साहब अपने चैनल पे बताते हैं, हम उसी हिसाब से आप तक ये तमाम चीजें शेयर करते हैं कि अब एक बंदा पकड़ा जा चुका है, या फिर जैसे शाहिद रिंद का कहा गया था कि वो उसके पीछे पुलिस लगी हुई है लेकिन वो नहीं मिल रहा, तो उसी तरह से हमने भी बताया था। तो जिस तरह से वो केस को लेकर जो चीजें बताते हैं हम आपके साथ वही शेयर करते हैं, जो हमारी अपनी नॉलेज होती है, अपनी इंफॉर्मेशन होती है या हमारी अपनी रिसर्च होती है उसके साथ हम अपना नाम लगाते हैं कि ये हमारी रिसर्च है। जब भी कोई केस के हवाले से बात की जाती है तो हम बाकायदा नाम लेते हैं कि ये रोशन अली अजीम साहब ने इस तरह से कहा है कि फलां बंदा पकड़ा जा चुका है या वो इस हद तक केस में आगे जा चुके हैं। पकड़ा गया जी, अब ये चीजें सामने नहीं लेके आई जा रही ना, हो सकता है कि ये तमाम चीजें सीक्रेट हो। क्यों सीक्रेट हो, जब कोई बात नहीं सीक्रेट है तो ऐसा क्यों सीक्रेट हो सकती है? कोई बात तो अब... कोई बात भी हुई है, आखिर आज आप वीडियो बना के डाल रहे हैं कि आज हम इसका पर्दाफाश कर देंगे, उसका पर्दाफाश कर देंगे। पर्दा किसी का फाश हुआ आज तक? शाहिद रिंद मीडिया पर आया, शाहिद रिंद को छोड़ो, शाहिद रिंद भाग चुका, मान लेते हम मानते हैं भाग चुका। शाहिद रिंद की माँ या सीमा की माँ बहन कोई आया? नहीं आया। हैदर के बाप आए हैं मीडिया पे, वही वीडियो उठा के सुनिए। और ये भी एक बात है, आप जो है अगर यूट्यूब से अगर यूट्यूब पे अगर आप यूट्यूब के नाम पे अगर नहीं चल रहे हैं तो आप हम आज वीडियो उठा के डाले हैं तो वही सेम वीडियो उठा के एक महीना बाद क्यों अपलोड करते हैं? क्यों अपलोड करते हैं? काहे अपलोड करते हैं? बैकग्राउंड चेंज करके क्यों? ये तो आज से सबूत मिला है तो आपको वो वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको कार्रवाई अगर रोज रोज वही वही माथा पच्ची, रोज रोज वही माथा पच्ची सुन के माथा खसक जाता है, बोलता है कि यूट्यूबर्स गलत खबर देते हैं, यूट्यूबर्स गलत खबर देख के ना माथा खसका हुआ है सबका। ए, सब जो सच का सबको ना न्यूज चाहिए कि सीमा का या हैदर का कौन सा फैसला हुआ। यह इधर तो सब अपने मौज मस्ती में जले हुए हैं, हमारा तो कोई या नहीं तो पाकिस्तान के कोई सरकार का नहीं, हमारे हिंदुस्तान के सरकार का कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस यूट्यूबर मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं सब लोग, चाहे हिंदुस्तान के हो चाहे पाकिस्तान के हो। कोई खबर नहीं आई है कि सीमा का बाप पकड़ा गया, सीमा ऐसे अपने घर में अपना महल बना रही है, हैदर उधर। अब हैदर के मामले में क्या है क्या ही बताऊं, धीरे धीरे वो भी सामने आ जाएगा कि क्या हकीकत बात थी। अभी तक समझो कि आधा का आधा बात क्लियर ओवर हुआ है, कुछ सही कुछ गलत। अब ये भी कुछ दिन में ये पता चलेगा कि हैदर का बैकग्राउंड क्या था, सीमा का बैकग्राउंड क्या था, और उसके बाद में जो है हैदर की वकील का बैकग्राउंड क्या था। सब चीज कुछ दिन में धीरे 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 सब कुछ करके पता चल जाएगा सब कुछ। जैसे सीमा का आज तक हर चीज पोल खुला है, वैसे हर चीज तक का पोल खुलेगा, कौन क्या किया है, क्या करना चाहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई बात कहीं छुपी मीडिया पे पड़ गई ना, छिपेगी नहीं। जी, मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि हमने भी अभी तक जितनी भी रिसर्च की है वो सारी की सारी सीमा के ऊपर की है, उसी की वीडियोस हमें मिली हैं कि वो किस तरह की औरत थी। अभी हमारी रिसर्च हैदर के हवाले से नहीं हुई क्योंकि उन्होंने जब भी कोई बात की है यही कही है कि हमें बच्चे वापस चाहिए और बच्चों के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो अभी हम ये तमाम जितने भी आपकी ये बातें थी, क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू शायद होना है रोशन अली अजीम साहब के साथ, तो मैं ये तमाम बातें जो आपने भी की हैं उनसे ज़रूर पूछूंगा, और जो भी उनके जवाबात होंगे वो इसी तरह से YouTube पे शेयर किए जाएंगे, और जो भी चीज़ें होंगी साथ साथ जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, आखिर क्या वजह है कि अभी तक किसी भी बंदे को सामने नहीं लाया गया, और ये जैसे होता है कि केस के हवाले से कोई खास बात शेयर इस तरह की नहीं की गई जिससे कि यकीन हो सके कि ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं, तो वो तमाम चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूँगा।